ओहो, आज तो इतनी मौका डालूंगी वो साथ निभाना, साथ की राशि बहन है ना, उसके जैसा फिगर बना दूंगी मैं पूरा। ये 1 किलो कम करने के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा? वैसे लग तो रहा है थोड़ी पतली हो गई। अरे तेजस्वी की मम्मी, कैसे हो आप? मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? ओहो, जिम शिम पतले हो गए हो। अरे कहाँ जिम शिम, ये तो बस वॉक शॉक का कमाल है। काश हम भी ऐसा बोल पाते कि वॉक करने से हम पतले हो गए, हम तो इतना दौड़ते हैं 1 इंच कम नहीं होता है, बताओ। कोई नहीं जी, कोई नहीं हूँ, गोलू मोलू भी क्यूट से लगते हो। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा ये बताओ, कल आपने वो अनुपमा देखा था? हाँ मैंने देखा था, आपने नहीं देखा? कहाँ देख पाई, ये तेजस्वी के पापा रिमोट दे ही नहीं रहते, क्रिकेट 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 यही चलता रहता है। बताओ ना हुआ क्या था? ये आदमी और इनका क्रिकेट। पर एक बात बताऊँ, आपने बहुत इम्पोर्टेंट एपिसोड मिस कर दिया, महा एपिसोड आया था, महा एपिसोड। अरे क्या क्या आया था उसमें? ना एक काम करते, बैठ के बताती हूँ आपको। चलो चलो चलो, आ जाओ। जी क्या हुआ? अनुपमा सीरियल में तो बड़ा मजेदार एपिसोड आया था, पता है उसमें क्या हुआ? वो है ना उसका एक्स पति, अनुपमा ने उसको ऐसी सुनाई उसकी जुबान बंद करवा दी। अरे वाह, ये भी नबात। और क्या है था ना, जिससे वो प्यार करती थी ना, उससे शादी हो गई उसकी। हाँ शादी हो गई, कैसी लग रही थी वो? बहुत सुंदर। कौन से कलर का जोड़ा पहना था? लाल रंग का। हाय कितनी सुंदर लग रही होगी ना, मैंने तो देखना ही मिस कर दिया, क्या करूं? आपको मिस नहीं करना था जी, देखना चाहिए था। ये मेरे पति है ना, बस रिमोट टिक टिक टिक, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, दिमाग खराब कर दिया मेरा। अरे ये आदमी लोगों का ना क्रिकेट ही नहीं छोड़ता, बस मैं भी दुखी हूँ। मम्मी चलो घर चलते हैं, मैंने खेल लिया बहुत। अरे बेटा, हाँ हाँ बेटा, चलेंगे चलेंगे, अभी मुझे थोड़ा आंटी से बात कर लेने, बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रही है, जा खेल जाके जा जा। नहीं अभी चलो, जा मेरे चिंटू के साथ खेल लियो। आपका चिंटू मेरी चोटी खींच के मेरे को मारता है, मैं नहीं खेल रही उसके साथ। बेटा ऐसे नहीं बोलते, जा 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 बेटा जा खेल ले। कैसी सी आंटी है पता नहीं, हाँ मेरी मम्मी को बिगाड़ दिया, सीरियल 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 दोनों की दोनों, हमेशा जब देखो सीरियल की बातें करती रहती है, मेरे को घर जाने, मम्मी घर चलो। अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते आंटी के बारे में, अरे आप बुरा ना मानना बच्चे तो, जाने बेटा जा जा खेले जा, अभी थोड़ी देर में चलेंगे। हाँ हाँ ठीक है, पर थोड़ी देर में पक्का घर चल पड़ना, और चिंटू के साथ नहीं खेलूंगी मैं। आप बुरा मत मानना, बच्चे हैं ना, उनको घर जाने का इतना मन करता है ना, आप बुरा मत मानना ठीक है। बड़ी बदतमीज है आपकी लड़की तो, मेरा चिंटू तो ऐसे उल्टे जवाब नहीं देता, और इसकी जबान देखो कचकच चलती है। आप ना बुरा मत मानना, वो बच्चे ना समझते नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, आप तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। अच्छा चलो छोड़ो। अच्छा आप ये बताओ, आपने साथ निभाना साथिया देखा था? कहाँ देख पाई, ये मेरे पति रिमोट छोड़े तब ना क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। वो भी नहीं देखा आपने? वो तो देखना चाहिए था आपको, उसमें पता है क्या हुआ, वो राशि ने जो खाली कुकर चढ़ा दिया था गैस पे, वो कोकिला भी इनको पता चल गया कि राशि ने चढ़ा है। अच्छा हुआ, कितना परेशान करते थे गोपी बो को, बिना बात पे फंसा दिया बेचारी को। सही में उसने इतनी गंदी सुनाई उसको। वैसे सच कहूँ जी, ये सीरियल्स ही हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी में ना थोड़ा सुख डाल रखा है। सही बात है, बिल्कुल सही बोला आपने, नहीं तो हमारी जिंदगी में है ही क्या, ये सुबह उठो बच्चों को स्कूल भेजो, खाना पीना झाड़ू पोछा, यही करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है, अपने लिए कुछ है भी, कुछ भी नहीं है। पति ऑफिस चले जाते हैं, मेरी सास पीछे पढ़ पढ़ के ये कर वो कर वो कर, बस ये सीरियल ही है जिनसे लगता है कि क्या जिंदगी में सुकून ही मिल गया है। ये सीरियल है तो हमारी जिंदगी में एंटरटेनमेंट है। और सच बताऊं मेरी सास ना इतनी बुरी है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है ये सीरियल में जो दिखा रहे हैं ना, जो गोपी बहू के साथ हो रहा है वो सब मेरे साथ हो चुका है। अरे मेरी सास भी सेम ऐसी थी, बहुत दुखी करा करती थी, फिर मैंने तो उनको बोल दिया कि देखो मैं नहीं रह सकती ऐसे, मेरे को ले चलो तुम, तो उन्होंने ना मेरे को ना शहर में ला दिया। आप तो ना जी बहुत लकी हो, बहुत लकी, मेरे पति तो अपनी मम्मी को नहीं छोड़ेंगे, पर कोई नहीं रहती हैं रहे, अब नहीं बोलती ज़्यादा कुछ, अब तो मैं अपने सीरियल में लग जाती हूँ, उसी से थोड़ा ज़िंदगी में रौनक आ जाती है। टाइम क्या हो गया है? अरे 1:30 बज गया, आधा घंटा रह गया बस रिपीट टेलीकास्ट आने में। अरे 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 मुझे तो सीरियल देखना है, आज नहीं मिस कर सकती। तेजस्वी बेटा आ जा घर चलना है, चिंटू को भी तो बुला लूँ। चिंटू आ जा बेटा चलेंगे। चलो जी चलो, आ जाओ आ जाओ। थैंक यू जी, थैंक यू जी। हाँ ठीक है, ओके बाय। अरे
अरे मम्मी कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा किटी पार्टी में जा रही हूँ, सब औरतें मिलकर ना सीरियल्स की खूब गॉसिप करेंगे। नहीं नहीं जाना आपको। क्यों क्यों नहीं जाऊँ? आप चले जाओगे तो मैं दादी को क्या बोलूंगी कि मम्मी कहाँ गई, किटी पार्टी में गई? दादी क्या क्या बोलेगी आपको पता नहीं है? मैं घूमू फिरू नाचू गाऊं हंसू खेलू बाहर जाऊं अकेली जाऊं किसी और के साथ जाऊं जहां जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं, तुझको और तेरी दादी को क्या? दादी को बोल मत दियो मैंने ये डालो मारा था। बोल दूंगी मैं तो, पता नहीं क्या क्या बोलने लग गई हो आजकल, ये करूं वो करूं यहां जाऊं वहां जाऊं एटीट्यूड पता नहीं क्या क्या। मम्मी यार भूत चढ़ गया आप पे सीरियल्स का। चुप, मैं कहीं जा रही हूं ना, मुझे तंग मत क्या कर, टोका मत कर। अरे आई जाओ, मैं पापा से बात करूंगी, पापा को बता दूंगी। बेटा थोड़ी पढ़ाई कर ले, पूरा दिन फोन फोन फोन। मम्मी मैं अभी नहीं पढ़ रही, बाद में पढ़ूंगी। क्या बाद में, पांच मिनट करते करते पूरा दिन निकाल देती है, वो खोलती नहीं है तू पढ़ाई की? मेरा मन नहीं है अभी पढ़ने का तो मैं नहीं पढ़ूंगी, जब मेरा मन होगा जब ही पढ़ूंगी। तो मन से कब से पढ़ाई होने लगी? पढ़ाई की जरूरत हो तो इसलिए पढ़ाई करते हैं कि मन नहीं है इसलिए पढ़ाई नहीं करूंगी मैं? मेरी मर्जी, मैं नहीं पढ़ूंगी तो नहीं पढ़ूंगी अभी, समझ गया? बेटा प्यार से बोल रही हूँ, पढ़ाई कर ले चल। ओ मॉम प्लीज, अपना एटीट्यूड अपने पास रख, मेरे पास मेरा ही बहुत है, समझी? क्या हो गया आपको, फालतू की डायलॉग क्यों मार रही हो? बोल दिया ना पढ़ लूंगी बाद में। चुपचाप से पढ़ने बैठ चल। मैं नहीं पढ़ती। ओके ठीक है जा रही हूँ। ये लड़कियां ना ऐसी समझती हैं। क्या होता जा रहा है मेरी माँ को, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं, पागल हो गई सीरियल देख देख के। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं हंसूं खेलूं बाहर जाऊं अकेली जाऊं किसी और के साथ जाऊं जहां जाऊं जब जाऊं। तुमको क्या? अरे मम्मी क्या कर रही हो? बेटा रील बना रही थी। यहाँ क्यों रील बना रही हो? देखो ना पड़ोसी लोग देख रहे हैं, और रील डालोगी तो सारे क्या कहेंगे? मत बनाओ, लोग क्या कहेंगे आप समझते नहीं हो यार। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? आपके पास हर एक चीज के लिए डायलॉग होता है क्या? हाँ होता है तो बोलना ही बेकार है, इनको तो पता नहीं आजकल क्या हो गया है, सीरियल देखना छोड़ दो आप। मुझको ज्यादा ध्यान मत बांटा कर, मैं जो कर रही हूँ करने दिया कर, समझी? बढ़िया ही मुझको सिखाएगी, जो करना है करो। मैं घूमू फिरू नाचू गाऊं यहाँ जाऊं उधर जाऊं किसी और के साथ जाऊं जहां जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं, तुझको क्या? बन गई रील। अब आएंगे लाइक्स। तेजस्वी बाजार से जाकर सब्जी लिया। क्या हूँ सुनाई दे रहा है? बेटा बाजार से जाकर सब्जी ले आ, सब्जी बनानी है मुझे। जाना पड़ेगा क्या? कि काम चोरी करती है ना तू, तुझसे अच्छा तो मेरा बेटा होता। क्या बेटा? माँ अगर बेटा वंश होता है तो बेटियां अंश होती हैं, बेटा अगर सुख में याद आता है तो दुख के लिए बेटियां ही काफी होती हैं, समझे आप? क्या बोले जा रही है तू? अनुपमा का डायलॉग ये सब मत किया कर मेरे सामने। देखा 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 अब आया ना आपको समझ कि मेरे को कैसा लगता है हर बात पे जो डायलॉग मार देती हो अपने सीरियल्स का, यही देखते ना अनुपमा दिन रात? बेकार बेकार से डायलॉग मार दोगी, उसके आगे मैं क्या बोलूं? अब आप बोल के दिखाओ मेरे आगे कुछ। हाँ अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, आज के बाद नहीं बोलूंगी ठीक है, चल जाकर सब्जी ले जाओ। ठीक है ला रही हूँ। कितनी तेज है यार ये लड़की, बहुत गलत करा इसने इसके साथ। चल मेरा सीरियल लगा। आप कहाँ से आगे? मैं नहीं लगा रही आपका सीरियल, मेरा स्प्लिट सिला का टाइम है वही देखूंगी मैं। ओ मेरा टाइम है टीवी देखने का, बढ़िया है। मेरा सीरियल लगा। मैं नहीं लगा रही आपका सीरियल। छी 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 छी, कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं लड़कियां ये, देखो आंखें बंद कर ले तू, कैसे सीरियल्स है ऐसे ऐसे पता नहीं। छी मेरे सीरियल्स ना अच्छे होते हैं, ऐसी हरकतें नहीं होती उनमें, वो देखा कर तू। चल लगा साथ में देखियो मेरे, चल। क्या अच्छी अच्छी चीजें होती है आपके सीरियल में, एक ही चीज को तो तीन बार रिपीट करते हैं, ऐसे रिएक्शन होंगे ना ऐसे गुस्से वाले, तो उसको ऐसे तीन बार देते हैं। आज के बाद मैं अपने सीरियल के बारे में एक बुराई ना सुन लूं,
देखेगी ना तब पता चलेगा कितने अच्छे होते हैं, कितनी शिक्षा मिलती है। मैं क्या करूँ अगर आपका सीरियल में स्प्लिट्स वाला एक ही टाइमिंग पे आता है, मैं क्या करूँ इसमें? ऐसे उल्टे सीधे प्रोग्राम से तुझे क्या शिक्षा मिल रही है? चल लगा मेरे सीरियल। मैं नहीं लगा रही। चुप। बोल दिया तो बोल दिया, लगा। लगा रही हूँ। लो देख लो, ये देख, ये होते हैं सीरियल। टिक 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 टिक। और शिव जी का तो ये प्रिय है, शिव जी को इसी से भोग चढ़ाते हैं। देख ले कैसी बातें बोलती है गोपी, ये सिखा कर। इतना खोई रहती है, मम्मी को ना बड़ा मजा आता है दूसरों की लड़ाइयाँ देखने में, इसलिए सोचो जब गली में लड़ाई होती है तो वहाँ जाके क्यों खड़ी हो जाती है। जो दिल की बात कोई नहीं है बस तुम हो साथ। अरे यार कहाँ फंस गई, ये सीन देख भी नहीं सकते। और कहती थी स्प्लिट्स वाला में गंदे गंदे सीन आते हैं, इनके सीरियल में नहीं आ रहे गंदे गंदे सीन। और क्या करूँ, कैसे खो गई ये तो। मम्मी चाय पियोगे? चाय ला। नहीं मुझे नहीं पीनी। पोछा नहीं लगा होगा, पोछा लगा दे। ओहो क्यों तंग कर रही है, देखने देना। परेशान कर दिया इस लड़की ने, गंदे गंदे सीन आ रहे। जब भी नहीं देखने देते हो। अरे मिस हो जाएगा भाई, लगा ना जल्दी। लगा रही हूँ, डराती रहेंगी जब देखो। लो देख लो, देख 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 मिस को कैसे सुना रही है। देखा आप लोगों ने कैसे एक लड़की ने अपनी मम्मी की चाय में जहर मिलाया। बेटी ने चाय में जहर मिलाकर माँ को मार दिया, ये आजकल की जनरेशन, इनके तो खैर नहीं। मम्मी लो चाय पी लो। चाय? मैंने तो तुझे चाय बनाने को बोला ही नहीं। अरे मेरे को पता था आपकी टाइमिंग होगी चाय पीने की, तो मैं खुद बना लाई मेरी प्यारी मम्मी के लिए। अच्छा इतना ध्यान है आज तुझे, इस चाय में क्या है? चाय में चाय पत्ती है, चीनी है, दूध है, पानी है, अदरक है। जहर? जहर क्यों डालूंगी मम्मी, क्या बात कर रहे हो आप? वो भी उसकी मम्मी थी, उसने जहर डाल के अपनी माँ को मार डाला। तू भी ऐसे करेगी ना मेरे साथ? तो मम्मी ये सीरियल है और ये रियल लाइफ है, मैं आपको जहर नहीं दूंगी। ये आजकल की जनरेशन ऐसी है, तू चाय पी कर दिखा मुझे, तभी पीऊंगी मैं। मैं नहीं पी रही। मुझे पहले ही पता था इसमें जहर है। अच्छा ठीक है पी रही हूँ। जहर था, जहर था इसमें। कुछ नहीं था, नाटक कर रही हूँ। मैं क्यों जहर दूंगी आपको, फालतू में शक करती रहती हो। एक तो ये क्राइम पेट्रोल सावधानी ने बंद करो यार, ये देखना शक ही बना दिया उसने आपको। सॉरी कभी कभी हो जाता है भाई। दे चाय बिस्किट भी लेकर आ। बंद कर दो ये सब, फालतू में शक करिए, मैं क्यों जाया दूंगी आपको भला। हद होती अपनी माँ को कौन जाया देता है यार। सावधान रहे, सतर्क रहे, जुर्म कभी भी आपके दरवाजे पे दस्तक दे सकता है। सावधान रहे, सतर्क रहे, जुर्म कभी भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। हाँ मैं सावधान रहूंगी, सतर्क रहूंगी, दरवाजा तो कभी नहीं खोलूंगी। कौन है, कौन आ गया? बेटी गई तो थी ट्यूशन के बहाने पर पहुंची नहीं, उसके बैग में मिले कुछ कपड़े, वो गई थी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने। ट्यूशन बंक मारकर बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रही है और मम्मी पापा को झूठ बोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही हुआ, ऐसे ही होना चाहिए था। मम्मी मैं ना ट्यूशन जा रही हूँ, ठीक है? ट्यूशन की तो छुट्टी होगी ना? अरे मम्मी छुट्टी क्यों होगी, एग्जाम्स आने वाले, मैम छुट्टी नहीं देती। चल तेरी मैम से पूछ लेते हैं। मम्मी मैम को फोन करने की क्या जरूरत है, मैम ने तो नंबर भी चेंज कर लिया। रहने दो, मत करो फोन। क्यों रहने दो, पूछ लेती हूँ ना। नहीं मम्मी मत, तब मैम आज ट्यूशन है, छुट्टी है। मम्मी छुट्टी होगी, मैम ने बताया नहीं था, कल इन्फॉर्म नहीं करा था। पक्का व्हाट्सएप ग्रुप में ना मैसेज करा होगा,
मैंने देखा नहीं होगा, मैं अभी देख लूंगी। अच्छा तो अब कहाँ जा रही है तू? अब कहाँ जाऊंगी, अब तो घर पर ही हूँ, ट्यूशन की तो छुट्टी, अब तो कहीं नहीं जाऊंगी। बैग में क्या है तेरे? बुक्स है मम्मी, और क्या होगा, बुक्स है। बुक्स? जरा दिखाना अपनी बुक्स। क्या करोगे बुक्स देख के, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा? देखूं तो मैं कौन सी पढ़ाई चल रही है तेरी? दिखा नहीं, दिखा नहीं, दिखा। अरे मम्मी उस चेन में कुछ नहीं है, उस चेन में ना क्वेश्चन पेपर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मत खोलो, अगर घूमोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। मिल गया मुझे क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चन पेपर, दो क्वेश्चन पेपर, क्या ये? कहाँ जा रही थी तू? बॉयफ्रेंड के साथ घूमने? मम्मी बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। मैं तो भूल ही गई, ऐसी शक्ल है बॉयफ्रेंड कहाँ से होगा? फ्रेंड्स के साथ जा रही है ना पार्टी करने? हाँ। कुछ हो जाता तो? अरे मम्मी कुछ नहीं होता, मैं पहले भी बहुत बार गई हूँ, आज तक तो कुछ हुआ ही नहीं। बहुत बार गई है हमसे झूठ बोल कर? आने दे आज तेरे पापा को, आने दे, ऐसी फाट लगवाती मैं तेरी। नहीं मम्मी प्लीज, वैसे भी अगर मैं आपसे परमिशन लेती तो कौन सा आप परमिशन दे देते, प्लीज मत। जा अपने कमरे में, और आज के बाद ना ट्यूशन मैं लेके जाऊंगी, स्कूल मैं लेके जाऊंगी, और जहां जहां तू जाएगी मैं तेरे साथ चलूंगी, समझी? घूमने जाएंगे, निकल। और एक तो ना आप ये सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल देखना बंद करो, इन्होंने ना दिमाग घुमा रखा है आपका। दिमाग घुमाया नहीं है, दिमाग ठिकाने पर लेकर आया है, ये देखा तभी पता चला तू क्या गुलछर्रे उड़ा रही है, चल निकल। कौन सा परमिशन लेके जाती, तो परमिशन दे देते, झूठ बोल के तो जा रही थी, वो भी जाने नहीं दिया। परिणाम तो आपने देख लिया हुआ, इसलिए इंडिया सावधान रहे, सतर्क रहे। बहुत अच्छा, ये शिक्षा दो तुम हमें।